أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मेरा नाम है ज़िशान अहमद। आज आपको मोहब्बत का एक जायज़ अमल बताने लगा हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे भाई कहा है कि भाई कोई ऐसा अमल बताया करें कि जो लोग करके आपको दुआएं दें। बात सुने, मुझे जैसे लोग कहते हैं मैं आपको उसी तरह बताता हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि जायज़ अमल बताएं, मैं जायज़ बताऊँगा। कोई कहता है नाजायज़ बताए तो मैं तो नाजायज़ बता दूंगा। यानी बात है, मेरे पास तो अमलियात का पूरा इलम है, तो जो पूछेंगे मैं आपको उसका आंसर मैं दे दूंगा। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ मोहब्बत का जायज़ अमल। ये बहुत ही आसान है, ख्वातीन या मर्द हजरात अपने घर बैठ के ये अमल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं या आपको कोई इस तरह का कोई बड़ा मसला है, तो बेशक ये मेरा दिया गया नंबर है, इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर लें। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं आपका वो मसला मैं हल कर दूंगा, तो वो भी फुल बटा फुल गारंटी के साथ। तो आज बात करने लगे हैं मोहब्बत के जायज़ अमल के बारे में। ये देखें कि ये तवीज़ एक मैंने लिखा है, ये एक रूहानी इलम का एक पहलू है जहाँ पर यह अमल वगैरह बताया जाता है। लेकिन ये बहुत ही ख़ास अमल है जो कोई ख़वातीन या कोई भी लड़का या लड़की अपने घर बैठ के कर सकती है। हाँ, ज़ाहरी बात है कि वो अपने महबूब को ये जो दो मिर्चियाँ खिला सके। बात यह है कि आपने क्या करना है कि इस तवीज़ को अपने महबूब के घर छुपाना है। देखिए, इसे पहले तवीज़ को लिखना है। लिखने के बाद आपका जो महबूब है इसकी बैक साइड पर उसका नाम लिखना है, उसकी वालदा का नाम लिखना है, फिर नीचे अपना नाम लिखना और अपनी वालदा का नाम लिख कर उसके घर के अंदर आपने छुपा देना है। फिर आपने क्या करना है कि ये दो दो मिर्चियाँ हैं। देखिए, अमल और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी समझ आएगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। ये जो दो मिर्चें हैं, इन मिर्चों के ऊपर आपने नियत करनी है मोहब्बत के अमल की, और मोहब्बत के अमल की आपने नियत करनी है। और ये सुइयाँ आपके पास होनी चाहिए। जब तक ये सुइयाँ नहीं तो आपके पास आप ये अमल नहीं कर सकते। आपने क्या करना, एक मरतबा सूरत कोसर पढ़नी है, तो यह सुई इसके आर पार आपने कर देनी है इस तरह। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह 15 सुइयां आपने इसमें आर पार करनी है और 15 सुइयां इस मर्च के अंदर आपने आर पार करनी है। कि अगर आपके पास कोई तवा है, यानी आग के ऊपर तवा रख के उसके ऊपर इसे जलाना शुरू कर दें। आपने क्या करना है कि इन्हीं सुइयों को आपने निकाल कर आपने कब्रिस्तान में या मिट्टी में या अपने घर के बगीचे में कहीं आपने दफन कर देना है या नहर में फेंक देनी इन सुइयों को। ये जो मर्चें होनी है, ये मर्चें किसी तरीके से आपने अपने महबूब को खिलानी है। जिस तरह आपको आसानी लगे आप उसी तरह अपने महबूब को ये मर्चें खिला सकते हैं। तो जैसे ही वो मर्चे खाएगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका इस तरह का रिजल्ट आपको नज़र आएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि पता नहीं ऐसा कौन सा ताकतवर अमल था जो मैंने अभी अभी किया है। तो इस वीडियो को करने के लिए इसकी इजाज़त लाजमी है। इजाज़त लेने के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है और आप वो जो होता है, मेरा मतलब है अपना नाम और अपने महबूब का नाम हमें कमेंट में आपने बता देना है। बस इतना आपने करना है।